अधिराज ननामी फर्स्टली दिल वाले कैफे में आए नहीं हैं, बहुत बार आ चुके हैं, पहली बार नहीं आए हैं, एंड दिस हैज़ बिन देयर अड्डा, बट इस बार की जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली पहली बार आई है, बिकॉज अनामी अधिराज के साथ या फिर दोनों भी एक दूसरे के साथ इतने भी ऑकवर्ड कभी नहीं हुए हैं. सो आते ऐसा एक लॉन्ग लुक एक्सचेंज था एंड दोनों को पहली बार समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से क्या बोले, बट देन उसका रीज़न क्या है ये तो आई थिंक अधिराज बेहतर तरीके से बता पाएगा, जो कल्प्रिट है वही बता पाएगा. पहली बार ऐसा हुआ कि अधिराज ने अपनी मन की बातें अनामी के सामने रखी और उसके रिएक्शन का, उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है वो. काफ़ी टाइम हो गया, एक दो दिन हो गए बात बोले हुए, तो घर पे भी उसको नींद नहीं आती और एक दो दिन काट लिया उसने कैसे ना कैसे. तो अनामी ने उसको कॉल किया कि लेट्स मीट, तो मेरी भी उम्मीद जागी कि यार अब बुलाया है दिल वाले कैफे पे तो कुछ दिल की बात ही होगी वहाँ पे जाके. तो अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ उसका क्या रिस्पॉन्स आने वाला है. ऑफ कोर्स कमेंट्स तो आएंगे. सबसे पहले तो ऐसी जटाधारी है एंड ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़की ज़्यादा नहीं आपने देखी होगी. अनामी इज़ द ओनली वन हू हैज़ लॉन्ग जटाज एंड ऐसे अटायर में, तो ऑफकोर्स लोग तो होते ही हैं मजाक उड़ाने के लिए, कमेंट मारने के लिए. अनामी इग्नोर करती है, अधिराज भी इग्नोर करता है, बट आफ्टर अ पॉइंट जब वो हम दोनों पे कमेंट करना शुरू कर देते हैं तो वी काइंड ऑफ हैंडल द सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं वो फिसल जाती है. हाँ, अनामी को बुरा लगता है कि हर वक्त उसकी पर्सनैलिटी को लेकर इतनी कॉमेंट्री की जाती है, बट देन लेट्स सी. So this is where I make her realize कि वो ऐसी नहीं है, तो उसको कभी भी दूसरों की बातों का फर्क नहीं पड़ा, तो आज क्यों पड़ रहा है? Is this a realization? क्या वो अपने आप को निखार रही है? ये वो मतलब होना चाहिए था वो अनामी के लिए कि लंगूर के हाथ में अंगूर, लेकिन शट अप, लंगूरी के हाथ में अंगूरी. अंगूरी अंगूरी वो आई रिमेंबर द कैरेक्टर, सॉरी. लेकिन वो था अनामी के लिए कि लंगूर के हाथ में अंगूर, तो थोड़ा मुझे खुशी हुई सुनकर. बिल्कुल भी नहीं हुई, तो मैं उसको समझाता हूँ कि यार दूसरों की बातों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो जैसे वो बहुत अच्छी. ये तो मुझे खुद को नहीं पता, बिकॉज चुप रहोगे, हर डायलॉग तो इतने तर 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 नहीं बोल पाते तो एनीवे. सो अनामी को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि वो अधिराज से प्यार करती भी है या नहीं, बिकॉज अधिराज हैज ऑलवेज बिन हर बडी, मतलब गो टू पर्सन, वो उसका बेस्ट फ्रेंड रहा है. एंड जब सामने से बेस्ट फ्रेंड आता है एंड वो बोलता है कि लिसन आई हैव गॉट फीलिंग्स फॉर यू एंड यू नो मुझे लग रहा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो अनामी को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी वो अधिराज को फेस कैसे करे, उसके बेस्ट फ्रेंड को फेस कैसे करे. तो इसलिए वो थोड़ी सी ऑकवर्ड है. अब वो प्यार करती है नहीं करती है, क्या रिएक्ट करेगी, कैसे रिएक्ट नहीं करेगी, ये तो शायद आपको शो में देखे. वो सिचुएशन है जब जय और वीरू में से वीरू बसंती बन गया. सो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हमेशा से रिश्तों के चक्र में आपने ड्रामा माँ बेटी के बीच में उलझने देखी हुई हैं, लेकिन इस बार आपको आई वुडंट से रोमांस, बट या जब दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में बात बिगड़ती है या संभलती है या क्या होता है, सो इट्स अ न्यू फ्लेवर इन द शो. आई थिंक यू शुड वॉच इट.